कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन में शामिल होने वाले बौद्ध भिक्षुओं समेत दूसरे मेहमानों को काला नमक चावल प्रसाद के तौर पर दिया गया। अगर भगवान बुद्ध से कनेक्शन वाले काला नमक चावल के बारे में आपने नहीं सुना है तो ये वीडियो आपके लिए है। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर जिला है और ये जिला भगवान बुद्ध के जन्म स्थान क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और जिले का काला नमक चावल अपने स्वाद, सुगंध और पोषण की क्वालिटी के लिए जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने हिरण्यवती नदी के तट पर काला नमक चावल की खीर खाकर अपना व्रत खत्म किया था और इसे अपने शिष्यों के बीच भी बांटा था। और भगवान बुद्ध ने किसानों को काला नमक चावल उगाने की सलाह भी दी थी। तो ऐसे में काला नमक चावल भगवान बुद्ध के महाप्रसाद के रूप में जाना जाता है और इसी प्रसाद को अब दुनिया भर से आए बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया है। इसके बारे में एक और डिटेलिंग मिलती है। एशियन एग्री हिस्ट्री फाउंडेशन चीनी ट्रेवलर फाहुआन के कामों को कोट करते हुए कहते हैं कि फाहुआन कहते हैं कि जब भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के बाद कपिलवस्तु गए तो ग्रामीणों ने उनसे प्रसाद मांगा। उन्होंने गांव वालों को अनाज दिया और उन्हें इस अनाज को दलदली जगह में बोने के लिए कहा गया और बोले इस चावल में खास खुशबू होगी जो हमेशा लोगों को मेरी याद दिलाएगी। लोक कथाओं के अनुसार चावल की किस्म अगर कहीं और बोई जाती है तो उसकी खुशबू और गुणवत्ता खो जाती है। फाउंडेशन का यह भी कहना है कि काला नमक के संरक्षण की पहली कोशिश अंग्रेजों ने की थी जिन्होंने इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए इस इलाके में 4 जलाशयों का निर्माण किया था। चलिए बात करते हैं इसके प्रोडक्शन और पहचान की। तो काला नमक चावल को GI टैग मिला हुआ है और जो एक जलवायु वाले आसपास के जिले हैं जैसे सिद्धार्थनगर हुआ, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज हुआ, संत कबीर नगर, बस्ती, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, यानी कुल 11 जिलों में इसकी खेती कमोबेश होती है। पिछले कुछ सालों में चावल की खेती घटकर 10,000 हेक्टेयर से भी अब कम रह गई है, लेकिन अब राज्य सरकार के प्रयासों से ये बढ़कर 50,000 हेक्टेयर से अधिक हो गई है। और ऐसा हुआ भी इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर के लिए काला नमक चावल को ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट घोषित किया हुआ है और राज्य सरकार 12 करोड़ रुपए से कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी बना रही है और इस चावल को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट भी किया जा रहा है। देखिए जापान, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका जैसे देशों को ये चावल जा भी रहा है और हाल ही में सिंगापुर में 20 टन चावल की दूसरी खेप भेजी गई। राज्य सरकार ने इसे प्रमोट करने के लिए 3 दिन का प्रोग्राम भी आयोजित कराया था। दरअसल आप जो सुनते आए होंगे कि बासमती चावल के नाम और प्रभाव के बारे में, तो ये काला नमक चावल किसी भी लिहाज से उस चावल से कम नहीं है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि काला नमक चावल को भी उतनी तवज्जो मिले तो देश विदेश में इसके करोड़ों फैंस हो ही सकते हैं। तो ऐसी और भी कई खबरों के लिए, जानकारियों के लिए आप जुड़े रहें टाइम्स नाउ नवभारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।